पटना में भीम आर्मी की रैली का आयोजन किया गया है। बिहार प्रदेश अध्यक्ष अमर आजाद पटना में इस रैली को संचालित कर रहे हैं। देख सकते हैं मंच पर किस तरह से लोग बैठे हैं। भीम आर्मी दरअसल दलितों के हक की बात करता है और हक की मांग उठाता है, लड़ाई लड़ता है। और ये गांधी मैदान में जो लोग भीम आर्मी के हैं वो मौजूद हैं, हाथ में नीले झंडे आप साफ साफ देख सकते हैं। नीले झंडों के साथ जो भीम आर्मी के लोग हैं वो गांधी मैदान में पहुंचे हैं और इस रैली का संबोधन चंद्रशेखर रावण के नाम से जाने जाने वाले नेता भी, जिनको देखने के लिए और इस रैली में शामिल होने के लिए लोग, जो दलित सेना और भीम आर्मी के लोग हैं, दलित समाज के और भीम आर्मी के लोग हैं, वो पटना के गांधी मैदान में पहुंचे हैं और अपनी मांग को रखेंगे, अपनी मांगों को उठाएंगे, साथ ही साथ अपने नेता चंद्रशेखर रावण के लिए भी का भाषण सुनने की भी इच्छा वो लगातार रखते हैं। मन से लगातार अलग अलग तरह की प्रस्तुति हो रही है, जैसे कि अभी एक महिला गाना गा रही है। हम भीम आर्मी के जो बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे बात करते हैं। अमर आजाद जी, किन मांगों को लेकर यह रैली बुलाई गई है? ये रैली है निजी क्षेत्र में आरक्षण और जातिगण जनगणना को प्रकाशित करने के लिए, और देश में जो दलित पिछड़ों पर अत्याचार हो रहा है, मुसलमानों के साथ मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो रही हैं और किसानों और छात्रों पर लाठीचार्ज भारत सरकार और बिहार सरकार कर रही है, इसके खिलाफ हम लोग बहुजन समाज को एकजुट करने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी यहाँ आए हुए हैं। और हम लोग ये एक बिहार में उनका पहला दौरा था, ये चलते सभी लोग बहुत सारे छठ पर्व के कारण ज़्यादा नहीं लोग आ पाए हैं, और हम लोग कोशिश में हम लोगों की यही है कि अपने समाज के जो बहुजन समाज के लोगों के उनको संवैधानिक अधिकारों के प्रति समझाएं और जो मनुवादी सरकार है 2019 में दोबारा ना आए, इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। तो चंद्रशेखर भी इस रैली में शामिल होने वाले हैं, दलितों के हक की मांग को उठाना इनका मोटिव है जिसको लेकर के यह रैली आयोजित की गई है पटना के गांधी मैदान में। बिहार से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।